हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। मदर वांट्स टू डिवाइड रुपीज 36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एज। मदर अपनी दो डॉटर श्रेया और भूमिका में 36 रुपीज को डिवाइड करना चाहती है, किस रेशियो में? उनकी एज के रेशियो में। जो रेशियो उनकी एज में है वही रेशियो में मनी का डिविजन होगा। If the age of Shreya is 15 years and Bhumika is 12 years, find the how much Shreya and Bhumika will get. अब इनकी एज कितनी दी है? 15 और 12, सो रेशियो क्या होगा? इसमें दिया है एज का, तो 15 और 12, दैट इज 3 5s are 15, 3 4s are 12, रेशियो होगा 5:4 का बिटवीन श्रेया एंड भूमिका। अब एडिशन कितना हुआ इन दोनों का? 9। तो अगर 9 पार्ट्स हैं टोटल, तो श्रेया को कितने मिलेंगे 9 रुपीज में से? 5 श्रेया को मिलेंगे और 4 किसको मिलेंगे? भूमिका को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ देयर आर 9 रुपीज, 9 कैसे आया? 5 प्लस 4, सो भूमिका गेट, भूमिका नहीं सॉरी, पहले श्रेया का लिखते हैं हम, सो श्रेया गेट्स कितने मिलेंगे श्रेया को? 5, 9 में से 5, आउट ऑफ 9 श्रेया गेट्स 5 रुपीज। सो इफ देयर आर कितने रुपीज है? रुपीज 36, सो श्रेया गेट्स कितने मिले इसको? 5 by 9 multiplied by 36, क्योंकि उसको कितना पार्ट मिल रहा है? 5 by 9 पार्ट मिल रहा है, तो 36 का भी 5 by 9 करा, 9 4s are 36, आंसर कितना आ गया? 20, 5 4s are 20 रुपीज विल गेट, श्रेया विल गेट 20 रुपीज। सिमिलरली हम निकाल लेंगे भूमिका को कितने मिले, सो इफ देयर आर रुपीज 36 देन भूमिका गेट्स, अब भूमिका का पार्ट कितना है? 4, तो उसको मिल रहे हैं 4 by 9 multiplied by 36, भाई 9 रुपीज थे तो भूमिका को मिल रहे थे 4, अब 36 है तो कितने मिले? 16, तो इसमें श्रेया को मिले 20 रुपीज और भूमिका को मिले 16 रुपीज। अब हम इनका क्रॉस चेक कैसे करेंगे क्वेश्चन को? बहुत इजी है, मतलब 20 by 16 का रेशियो क्या होना चाहिए? जो उनकी एज का रेशियो है 15 by 12, अगर ये दोनों सिमिलर है दैट मींस हमारा आंसर भी सही है। चेक कर लेते हैं, 5 इसको 4 से करा, 4 4s are 4 5s are 20, ये आ गया 5 by 4, और इसको करा 3 4s are 12, 3 5s are 15, 5 by 4, दोनों में ही रेशियो 5:4 का आ रहा है, दैट मींस हमारा आंसर 20 और 16 का ठीक है।